Assalamu alaikum, my lovely students of grade 3. Good morning and have a nice day. I am your SST teacher from Silk School of Tomorrow and we are going to start our lecture number 4. So students, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम लोग पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे थे. तो बच्चों, कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम लोग अपने पाकिस्तान को, अपनी कंट्री को कैसे डेवलप कर सकते हैं? किसी स्टूडेंट को पता है कि हम अपनी कंट्री को कैसे डेवलप कर सकते हैं? करेक्ट आंसर. हम लोग अपनी कंट्री को एजुकेशन के थ्रू डेवलप कर सकते हैं. एजुकेशन यानी कि तालीम. अगर हम लोग तालीम हासिल करेंगे तो हम लोग अपनी कंट्री के लिए कुछ कर पाएंगे. उसके अलावा स्टूडेंट्स, हम लोग कैसे कर सकते हैं अपनी डेवलप? आप लोगों ने बाकी कंट्रीज को देखा होगा, बहुत डेवलप्ड कंट्रीज होंगी और उनमें तरह तरह के अच्छे अच्छे रोड्स होंगे, उनकी रेलवे सिस्टम बहुत अच्छा होगा, एयरपोर्ट्स अच्छी होंगी, पार्क्स बहुत अच्छे होंगे, ऐसा ही है. तो बिल्कुल इसी तरह से हम लोग अपनी कंट्री को कैसे डेवलप कर सकते हैं? बाय बिल्डिंग, वेरी गुड, बाय बिल्डिंग रोड्स, अच्छी अच्छी सड़कें बना के, पार्क्स अपने मुल्क में, पार्क्स बनाकर और डैम्स के जरिए, ताकि हम लोग उन डैम्स के थ्रू ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें. और हाँ जी, हार्बर, बाय बिल्डिंग हार्बर. हार्बर क्या होते हैं? बंदरगाहें. बाय बिल्डिंग एयरपोर्ट्स. अगर हम लोग एयरपोर्ट्स बनाएंगे तो हमारा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा. उसके बाद है रेलवे सिस्टम को बेहतर बना के. अगर रेलवे सिस्टम बेहतर होगा तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर पाएंगे. और उसके साथ साथ हम लोग जो हमारी चीजें होती हैं उनकी ट्रांसपोर्ट भी आसान हो जाएगी. हार्बर का मीनिंग क्या बताया मैंने? बंदरगाहें. हार्बर्स, बंदरगाहें. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये चीजें डेवलप कर लें तो पाकिस्तान डेवलप कंट्री बन सकता है. उसके बाद बेटा, पाकिस्तान के कितने प्रोविंसेस हैं? सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि हम लोग कौन से प्रोविंस में रहते हैं. वेरी गुड स्टूडेंट्स, की आवाज आई है कि हम लोग पंजाब में रहते हैं. वेरी गुड, हम लोग पंजाब में रहते हैं. उसके बाद और कौन सा प्रोविंस है? वेरी गुड, केपीके. केपीके मीन खैबर पख्तूनख्वा. उसके बाद सिंध और यस बलूचिस्तान. कितने प्रोविंसेस हैं? 4. पंजाब, केपीके, सिंध और बलूचिस्तान. तो बेटा, किसी को ये पता है कि पाकिस्तान का कैपिटल कौन सी सिटी है? पाकिस्तान का दारुल हकूमत कौन सी सिटी है? वेरी गुड, जो आप लोगों ने ग्रेड 2 में भी पढ़ा था, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है. तो बेटा, ये सब क्या है? पाकिस्तान है. ये हमारा 4 प्रोविंसेस को मिला के क्या है? पाकिस्तान है. तो बेटा, हमें क्या करना चाहिए? हमें इसे खूबसूरत बनाना चाहिए. कीप इट ब्यूटीफुल. और हम इसे खूबसूरत कैसे बना सकते हैं? इसकी सफाई का ख्याल रख के. वेरी गुड, हमें इसकी सफाई का ख्याल रखना चाहिए और हमें अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए, लव करना चाहिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 3, आप लोगों ने इसको रफ रजिस्टर पे प्रैक्टिस करना है और अपने छोटे बहन भाई को इसका लेक्चर भी देना है. उसके बाद आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें. यू हैव टू मेंटेन डे एंड डेट. Put your fingers on at this line. We have developed our country by building roads. अभी वही जो लाइन है, वही लाइन है जो कि अभी हमने पढ़ा है कि हम अपनी कंट्री को डेवलप कैसे कर सकते हैं. By building, बना के, roads को बना के, parks को बना के, dams को, bridges को, bridges होती हैं पुलें, motorway को, dams को, harbors बंदरगाहों को, airports को और रेलवे को. उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन करें. पाकिस्तान हैज 4 प्रोविंसेस. पाकिस्तान के 4 सूबे हैं. दीज आर पंजाब, सिंध, केपीके एंड बलूचिस्तान. इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री. हमें अपने अपने मुल्क पर फखर होना चाहिए. वी शुड कीप इट ब्यूटीफुल. हमें इसको
ब्यूटीफुल रखना है हमेशा। वी लव आवर बिलव्ड कंट्री, हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज ओपन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन डे एंड डेट एंड द क्वेश्चन नंबर बी इज फिलिंग द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक इज द मुस्लिम्स ऑफ डैश इंडिया वर बैकवर्ड। तो बेटा आप लोगों ने फुल चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर को रीड करने के बाद ये सारी फिलिंग द ब्लैंक्स आपने फिल करनी है, ये आपका होमवर्क है। और अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर सी को देखें तो मार्क द स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, इसको आपने टिक किया क्रॉस करना है, ये भी आपका होमवर्क है। नाउ ओपन योर नोटबुक्स ऑफ SST, यू हैव टू मेंटेन डे डेट होमवर्क एंड द टॉपिक इज आवर बिलव्ड पाकिस्तान। वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैसे हैव वी डेवलप्ड आवर कंट्री, हम अपनी कंट्री को डेवलप कैसे कर सकते हैं। We developed our country by building roads, railways, parks, dams, bridges. उसके बाद next page पे आएं और day लिखें, date लिखें, homework को tick करें, words meanings की heading लगाएं और इसकी एक side पे लिखें words और इसकी second side पे meanings. First word है provinces. Provinces mean very good, सूबे, idea, ख्याल, गेट हासिल कर, यू हैव टू राइट इट नीटली। और उसके बाद आप लोगों ने इसकी रफ रजिस्टर पर प्रैक्टिस करनी है। सो ग्रेड 3 आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अपनी मामा को इसका अटेस्ट देंगे ताकि आप लोगों की असेसमेंट बहुत अच्छी हो। सो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो।